हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल केएसएन टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट में आने वाली नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के बारे में, जो कि दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन मार्केट में इन बाइकों का इंतजार काफी बेसब्री से करा जा रहा है, इसलिए दोस्तों मैंने आज ये वीडियो बनाई आप सभी के लिए, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं ये बाइकें कौन से मंथ में इंडियन मार्केट में होगी लॉन्च, क्या रखा जाएगा इन बाइकों का प्राइस और कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इन सभी बाइकों में। तो अगर आप आने वाले टाइम में कोई भी बाइक को परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो आप मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना। और अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे भी ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज के टाइम पे यानी कि 2021 में सिर्फ होंडा ही ऐसी कंपनी है जिसने काफी सारी बाइकें लॉन्च करी है इंडियन ऑटो मार्केट में। अभी तक इंडियन ऑटो मार्केट में होंडा ने 5 बाइकें लॉन्च कर दिया और होंडा अब की बार रुकने वाली नहीं है। वो काफी सारी बाइकें दोस्तों और भी लॉन्च करने वाली है, जो कि पहले डिसकंटिन्यू कर दी गई थी इंडियन ऑटो मार्केट से। और मैं आपको बता दूं कि होंडा ने अभी भी कुछ बाइकों की लिस्टिंग करा रखी है जो आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी 2021 के एंड से पहले। उन बाइकों में सभी कैटेगरी की बाइकें आने वाली है। उन्हीं बाइकों में से दोस्तों आज की वीडियो में मैंने रखा है CB125R को। इंडियन ऑटो मार्केट में इस बाइक के लॉन्च होने का इंतजार काफी बेसब्री से करा जा रहा है इसके डिजाइन की वजह से। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बाइक के स्पेसिफिकेशंस और इंजन कैपेसिटी के बारे में। बाइक में 124.9 cc का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर DOHC इंजन का यूज किया जाएगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 14.7 bhp की 10,000 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 11.6 Nm का 8,000 rpm पर। इस पावर के साथ ये बाइक 120 किलोमीटर पर आ तक की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स की तो आपको बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन मिल जाएंगे, डुअल चैनल ABS रहने वाला है आप सभी की सेफ्टी के लिए। और बाइक में कंसोल आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, RPM मीटर, टाइम और फ्यूल गेज जैसे सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। बाइक के सस्पेंशन में वैसे तो इसके फ्रंट पार्ट में 41mm अपसाइड डाउन फोर्क का यूज किया गया है, लेकिन जब ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी तो इसमें टेलीस्कोपिक फोर्क को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और बाइक के रियर पार्ट में आपको मोनोशॉक अब्सॉर्बर देखने को मिलेगा। लाइटनिंग दोस्तों बाइक में ऑल LED रहेगी होंडा की तरफ से बाइक के हर पार्ट में। और बात करें बाइक के डायमेंशन की तो इस बाइक का कवर होगा 130 kg का, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा लाइट वेट है, बाइक काफी ज्यादा निम्बल होगी सिटी राइडिंग में। और 140mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी बाइक में और इस बाइक की सीट हाइट होगी 815mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में नहीं रहने वाली है शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में काफी दिक्कतें आएंगी। और दोस्तों बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाएगी 10 लीटर की और ये बाइक 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको दे देगी सिटी राइडिंग में। और हाईवे राइडिंग पर ये बाइक आपको 50 प्लस का माइलेज भी दे सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फाइनली इस बाइक के लॉन्च के बारे में। होंडा CB125R आपको नवंबर से दिसंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में। और इस बाइक का लॉन्च होने पर प्राइस रखा जाएगा 110,000 से 115,000 के एक्शन प्राइस पर, यानी कि ये बाइक आपको 130,000 से 140,000 के ऑन रोड प्राइस पर देखने को मिलेगी। तो चलते हैं दोस्तों अगली बाइक की तरफ, जो कि है कावासाकी की तरफ से आने वाली बाइक कावासाकी Z125। कावासाकी ने कुछ टाइम पहले कंफर्म करा था कि वो अपनी लो डिस्प्लेसमेंट वाली बाइकों को भी इंडियन मार्केट में लॉन्च करेंगे। उन्हीं में से दोस्तों आपको कावासाकी Z125 देखने को मिलेगी और हो सकता है कावासाकी निंजा 125 भी इंडियन ऑटो मार्केट में आए। तो इस नेकेड स्पोर्ट्स बाइकों की वीडियो को थोड़ा सा साइड रख के मैं इन दोनों ही बाइकों के बारे में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों दोनों ही बाइकें आ सकती है इंडियन ऑटो मार्केट में। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देता हूं Z125 के बारे में। इस बाइक में आपको 125 cc सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड BSS कॉम्पैक्ट इंजन मिल जाएगा, जिसमें मैक्सिमम पावर 15 hp की देखने को मिलेगी 10,000 rpm पर और दोस्तों मैक्सिमम टॉर्क आपको 11.7 Nm का मिल जाएगा 7,700 rpm पर। इस बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन और डुअल चैनल ABS आपको देखने को मिल जाएंगे। और यही निंजा 125 की बात करें तो दोस्तों दोनों बाइकों की स्पेसिफिकेशन और इंजन कैपेसिटी सेम है, बस बॉडी टाइप का फर्क आ जाता है दोनों ही बाइकों में। लुक्स और डिजाइन के बारे में आपको बता दूं, दोनों ही बाइक कावासाकी के फ्लैगशिप वेरिएंट से इंस्पायर्ड है और कलर्स भी आपको कावासाकी निंजा और Z लाइनअप के देखने को मिलेंगे। और जैसा कि कावासाकी
की जानी जाती है एग्जॉस्ट साउंड की वजह से, इसलिए बेशक आपको इन दोनों ही बाइकों में एग्जॉस्ट साउंड काफी अग्रेसिव देखने को मिलेगा। कंसोल आपको दोस्तों कावासाकी Z125 में एक डिजिटल प्लस एनालॉग वाला देखने को मिलेगा, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गोज और गियर इंडिकेटर जैसे सभी फंक्शन शो हो जाएंगे। और यही आपको कावासाकी निंजा 125 में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल्स में दोस्तों कावासाकी ने दोनों ही बाइकों में पूरी तरह से LED लाइट का काम किया है। और कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इंजन किल स्विच, पिलियन फुटरेस्ट, पिलियन ग्रैब रेल्स और स्प्लिट सीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा कावासाकी Z125 में और निंजा 125 में। बाइक के डायमेंशन और सस्पेंशन के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर इसके लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। कावासाकी Z125 का कर्विड 146 kg का रहने वाला है। बाइक काफी निम्बल होगी सिटी राइडिंग के लिए। इसमें ओवरऑल हाइट आपको 1015 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm और सीट हाइट 815 mm की मिल जाएगी, जो कि दिक्कतें देने वाली है शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में। फ्यूल टैंक दोस्तों 11 लीटर का आपको मिल जाएगा इस बाइक में। और सस्पेंशन में फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क 37 mm के मिल जाएंगे और रियर पार्ट में मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों निंजा 125 में बाकी सब तो सेम रहने वाला है, लेकिन इसकी सीट हाइट आपको 785 mm की मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फेवर में रहने वाली है शॉर्ट राइडर्स के लिए। और रियर सस्पेंशन निंजा में गैस चार्ज एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं बाइक के लॉन्च की। ये बाइक दोस्तों आपको कावासाकी की तरफ से 2022 के स्टार्टिंग में या फिर मिड तक देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में। और लॉन्च होने पर दोस्तों ये दोनों बाइकें आपको एक्सपेक्टेड 1,20,000 के एक्शन प्राइस पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों थर्ड नंबर की यानी कि आखिरी बाइक है 2021 बजाज पल्सर NS160। बजाज ने 2 महीने पहले ही इस बाइक के न्यू लुक की टेस्ट राइडिंग स्टार्ट कर दी थी इंडियन मार्केट में। टेस्ट राइडिंग के दौरान इस बाइक को काफी ज्यादा बार सपोर्ट करा गया था। और दोस्तों काफी टाइम पहले बजाज ने भी कंफर्म करा था कि वो अपनी पल्सर सीरीज में से NS और RS के न्यू लुक को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बाइक के डिजाइन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। बस 20-30% का चेंज आपको देखने को मिलेगा पिछले वाले मॉडल से। बाकी दोस्तों बाइक के स्पेसिफिकेशन में और फीचर्स में काफी ज्यादा फर्क आएगा, तो चलिए उन सभी के बारे में बात करते हैं। और स्टार्ट करते हैं बाइक के इंजन से। बाइक में आपको 160.3 cc का ऑयल कूल सिंगल सिलेंडर SOHC BS6 इंजन देखने को मिलेगा, वही सेम पुराना वाला, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 17.2 bhp की 9000 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14.6 Nm का 7250 rpm पर। लेकिन अब की बार दोस्तों इंजन को थोड़ा और भी ज्यादा रिफाइन करा जाएगा और बाइक को थोड़ा लाइट वेट रखा जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों आपको बाइक के वाइब्रेशन में और टॉप एंड में काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा NS160 से। और बात करें बाइक के फीचर्स की, तो दोस्तों इसमें 5-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन होंगे, सिंगल चैनल ABS आपको मिल जाएगा आपकी सेफ्टी के लिए। लेकिन अब की बार इस बाइक में ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल का यूज किया जाएगा, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ABS लाइट टाइम और फ्यूल गोज जैसे सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। और बाइक के टायर साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज करा जाएगा। अब दोस्तों आपको पल्सर NS160 में फ्रंट पार्ट का टायर 100x90 mm का और रियर पार्ट का टायर 140x80 mm का मिल जाएगा। और बाइक के सस्पेंशन की बात करें तो आपको इसके फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर पार्ट में नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों यूज किए जाते थे पहले वाले वेरिएंट में। और 2021 बजाज पल्सर NS160 की लाइटनिंग में आपको पूरी तरह से LED लाइट्स का काम देखने को मिलेगा बजाज की तरफ से। और बाइक के डायमेंशन की तरफ देखें तो दोस्तों इस बाइक के कर्वेट को 140 kg के अराउंड कर दिया जाएगा और 177 mm के आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, जो कि दोस्तों पहले वाले वेरिएंट में मिला करती थी। और बाइक की सीट हाइट रहेगी 805 mm की, जो कि बिल्कुल दिक्कतें देने वाली है शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था दोस्तों, बाइक में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, बस 20-30% का चेंज आएगा बाइक के फीचर्स में और बाइक के डिजाइन में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि बजाज पल्सर NS160 का न्यू मॉडल कब लॉन्च होने जा रहा है इंडियन मार्केट में और इस बाइक का क्या प्राइस रखा जाएगा। दोस्तों क्योंकि इस बाइक की टेस्ट ड्राइविंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको आने वाले 2-3 महीनों के अंदर ये बाइक देखने को मिल सकती है लॉन्च होते हुए। और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस 1,15,000 से 1,20,000 के एक्शन प्राइस पर रखा जाएगा, जो कि दोस्तों पिछले वाले वेरिएंट से 5-10,000 के डिफरेंस पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के बारे में, जिसमें मैंने आपको निंजा 125 के बारे में भी बता दिया, जो कि एक फेयर्ड बाइक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आप इन चारों बाइकों में से कौन सी बाइक का वेट कर रहे हो और आपको कौन सी बाइक ज्यादा पसंद आई। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, आगे भी ऐसी ही बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।